गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो के जरिए विंटो ग्रीन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं बेबी राय आप सभी को ट्रेनर हूँ। आज जो क्लास लेने वाला हूँ वो अलग अलग टाइप का फैब्रिक और उसका ग्रेन लाइन। पिछले दिन का जो क्लास सेट दिए थे वो क्लास में जो डिस्कस हुआ था कैसे करके अलग अलग फाइबर से धागा और फैब्रिक बनता है और बुनाई के हिसाब से उसका भाग, तो आप सभी ने जाना है कि बुनाई के हिसाब से फैब्रिक तीन तरीका का होता है। तो पहला जो है वो ओवन फैब्रिक, दूसरा निटेड फैब्रिक और तीसरा नॉन ओवन फैब्रिक। ये जो अलग अलग तीन तरीका का फैब्रिक ये सर अच्छा से समझा दिए थे बुनाई का उसका तरीका। तो ये सब फैब्रिक का मटेरियल जैसे कि कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, रेयन और उलेन एक्सेट्रा, मतलब बहुत और भी बहुत टाइप का फैब्रिक मार्केट में मिलता है। और ये सब कपड़ा का टेक्सचर या मोटापा भी अलग अलग होता है, उसके साथ साथ उसका चौड़ाई भी उसके बुनाई के हिसाब से अलग अलग होता है। ये सब कपड़ा मार्केट में अलग कलर अलग टेक्सचर से मिलता है। तो ये जो देख रहा है एक कपड़ा, ये जो हम देख रहा है ये इसका जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं, ऑन ग्रेन या लेंथ ग्रेन, और जो चौड़ाई है उसको बोलते हैं ऑफ ग्रेन या क्रॉस ग्रेन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब ड्रेस बनाएंगे तो ये मेन चीज़ है ग्रेन ऑफ ग्रेन देख के ही कपड़ा काटिंग करना, नहीं तो पूरा ड्रेस उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए हाई शोल्डर से लेंथ, फुल लेंथ जैसा होता है वो लंबाई से कपड़ा काटिंग करना है, और चौड़ाई जो होता है वेट तो वो ऑफ ग्रेन से काटिंग करना है, तब जाके तुम्हारा ड्रेस सही बनेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा करके सबको मालूम नहीं है, या मालूम होता है फिर भी काटिंग करने का समय वो देखते नहीं हैं, ऐसा करके ही कपड़ा फोल्ड करके काटिंग करके ड्रेस बना लेते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हर टाइम काटिंग करने का समय अच्छा से देख लेना है, क्योंकि लेंथ जो होता है ऑन ग्रेन वो खींचोगे तो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी बढ़ता नहीं है, और ऑफ ग्रेन जो है वो खींचोगे तो थोड़ा सा बढ़ता है। तो यही देख के तुमको पता चलेगा कि कौन है ग्रेन और कौन है ऑफ ग्रेन। तो ये देख के ही लेंथ और चौड़ाई में कपड़ा काटिंग करना है। और एक चीज़ देखो, ये जो बायस है, बायस क्या है, बायस जो कोना में या तिरछा जो होता है वो है बायस, क्योंकि 45 डिग्री एंगल कपड़ा का ट्रू बायस होता है, जो कपड़ा का सबसे ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। ये कहाँ लगता है ज़्यादा, ये जो हम लोगों का अड़मोहल होता है, गला होता है, इसको पट्टी बैठाना है, तो ये सब कार्व है। तो कार्व जगह में पट्टी बैठाने के लिए ये बायस कपड़ा काटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तुम सीधा कपड़ा काटिंग करोगे तो कार्व में बैठता नहीं है, तो इसीलिए बायस में कपड़ा काटिंग करोगे तो वो आसानी से बैठ जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बायस का पट्टी काटना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़
जो इम्पोर्टेंट चीज़ इधर है सल्वेज एरिया होता है, तो वो छोड़ के कपड़ा कटिंग करना है। जब भी कोई चीज़ कटिंग करना है तो सल्वेज एरिया को छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूती नहीं होता है, क्योंकि बुनाई के समय वो ज़रूरी होता है कपड़ा बुनाई के लिए, इसीलिए वो सल्वेज एरिया छोड़ के कपड़ा कटिंग करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा समझे कि ग्रेन ऑफ ग्रेन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कपड़ा कटिंग करने के लिए। बहुत सारे को देखा, कोई कोई मास्क बनाए तो वो ग्रेन ऑफ ग्रेन नहीं देखे, वो छोड़ के ही जैसा तैसा करके बैठाए और काटिंग करके बना दिए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, कोई भी चीज़ बनाओ लंबाई चौड़ाई हिसाब से, कपड़ा का भी लंबाई चौड़ाई देख के काटिंग करना है, तो वो चीज़ सही बनता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये वीडियो को सभी ने सब्सक्राइब करोगे और भी वीडियो हम लोग छोटा छोटा करके देंगे।